हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चंस फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स में, प्री में और मेंस में। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड दिया है फ्लैग्रेंट और नीचे पाँच ऑप्शन दिए हैं। इन पाँचों ऑप्शंस में से आपको कोई भी एक ऐसा वर्ड पिक करना है जो या तो फ्लैग्रेंट का सिनोनिम होगा या फिर उसका एंटोनिम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन डेप्थ नॉलेज आपकी चेक की जाती है वोकैबलरी की, क्योंकि किसी भी बैंकिंग जॉब में इंग्लिश की नॉलेज डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होती है। तो वोकैबलरी की इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पर आपको होना बहुत ज़रूरी है, तभी इंग्लिश सेक्शन का पेपर आप सक्सेसफुली कर पाएंगे किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में। अब देखिए, फ्लैग्रेंट का क्या क्या मतलब है। फ्लैग्रेंट का मतलब है कि किसी काम को खुले आम करना, खुल्लम खुल्ला करना या ओपनली करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या होगा, कंसील्ड इसका एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि कंसील्ड का मतलब होता है छुपा कर किसी काम को करना, जबकि फ्लैग्रेंट का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला किसी काम को करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा, मतलब इसका जो जो करेस्पॉन्डिंग एंटोनिम आपका होगा वो होगा सी। और फ्यूजिटिव का अर्थ होता है एब्सकॉन्डिंग, यानी जो जो भागा हुआ है, जो फरार है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजिटिव। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। ऑब्जेक्शनेबल, देखिए फ्लैग्रेंट का थोड़ा सा ये क्लोज वर्ड है ऑब्जेक्शनेबल, लेकिन ऑब्जेक्शनेबल थोड़ा सा मीनिंग में अलग है। ठीक है, और एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्राइसेस, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस। तो यहाँ पर इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कंसील्ड, यानी सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैबी। देखिए, शैबी का क्या मतलब है, शैबी का मतलब है बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा भद्दा, बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से किसी काम को किया गया, या टूटा फूटा, या टैटर्ड जिसको हम बोलते हैं, फटा पुराना उसको हम बोलते हैं शैबी। तो हालांकि टेरेबल इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं उसमें से आपको एक वर्ड निकालना है। टेरेबल तो नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्टेबल मतलब जो नफरत के लायक है। ठीक है, कंटेम्प्ट जिससे आप करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा और भद्दा है। तो यहाँ पर शैबी का जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा बी। ठीक है, तो बी यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा, यानी इस इन वर्ड्स का आपको या तो सिनोनिम चाहिए या आपको एंटोनिम चाहिए। अनसर्टेन, अनिश्चित, डिस्ट्रॉयड मतलब जो जो बेकार है या नष्ट हो चुका है। श्रिल हम बोलते हैं वॉइस को, जब हाई पिच्ड जो वॉइस होती है उसको हम बोलते हैं श्रिल। और PCPTS का मतलब एक तो स्टीप होता है, जो एकदम शार्प स्टीप चढ़ाई जो होती है उसको हम बोलते हैं PCPTS। एब्रप्ट को भी हम प्रिसिपिटस बोलते हैं, एकदम से अचानक से कोई काम होता है तो उसको भी हम प्रिसिपिटस बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छे वर्ड हैं ये, और ये रियल क्वेश्चन में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ बैंकिंग एग्जाम के। बी यहाँ पर इसका सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस वीडियो क्लास में मैंने 12 क्वेश्चन लिए हैं, और पूरा ध्यान से आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको ये समझ में आएंगे सारे सारे क्वेश्चंस। डिस्पॉइल का क्या मतलब है। देखिए, डिस्पॉइल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बेकार या भद्दा बना देना। बेकार और भद्दा कैसे बना देना, जैसे सपोज़ एक 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 हॉल है, और इस हॉल में काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वहाँ से यदि आप डेकोरेटिव आइटम्स को आप हटा लेते हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी भद्दी सी और बेकार सी लगेगी। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्पॉइल। वैल्यूबल जो आइटम है यहाँ से आप हटा लेते हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी डिस्पॉइल हो जाएगी। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा आपका इम्प्रूव, क्योंकि इम्प्रूव का मतलब है कि उस चीज़ को आपने और ज़्यादा बेहतर बना दिया, यानी उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर दिया। तो डिस्पॉइल का जो एंटोनिम होगा वो होगा इम्प्रूव, और ई यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी के वर्ड, ऑब्सेस का मतलब किसी चीज़ के प्रति जुनून होना, प्राय का मतलब इंटरफियर करना, कंप्लाई का मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, उसको मानना, बिमोन का मतलब दुखी होना। तो इम्प्रूव यहाँ पर आपका ई का, इसका इस क्वेश्चन का ई मतलब सही आंसर आपका होगा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, और ये सारे क्वेश्चंस नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, बैंकिंग और एसएससी के क्वेश्चंस मैं डेली बेसिस पर इस चैनल पर आपको करवाऊंगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी कोई कोचिंग लगाएं, आपका सारा काम इस चैनल से हो जाएगा, इंग्लिश एडवांटेज चैनल से। इसको आप सब्सक्राइब करें, और इस पर मैं डेली बेसिस पर इन डेप्थ में पूरा एसएससी का और पूरा बैंकिंग का मैं सारा इस पर आपको पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंक्टिफाई। ये वर्ड भी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेंक्टिफाई बहुत अच्छा वर्ड है ये। और सेंक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को पवित्र करना, किसी चीज़ को ब्लेस करना। ठीक है, सेंक्टिफाई। और उसी से मिलता जुलता वर्ड है कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट का अर्थ भी वही होता है, ब्लेस करना या सेंक्टिफाई करना। तो डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका,
स्लंप का क्या मतलब है? स्लंप का मतलब होता है जब किसी चीज़ में गिरावट आती है, उसको हम बोलते हैं स्लंप। जैसे कोई मार्केट क्रैश कर जाती है, गिरावट आती है, तो उसको हम बोलते हैं स्लंप। सेवर का मतलब क्या है? ये भी एक अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार पूछा गया है ये बैंकिंग एग्जाम में। सेवर का अर्थ होता है काटना, तोड़ना, स्प्लिट करना, उसको हम बोलते हैं सेवर। शेड का मतलब होता है झड़ना किसी चीज़ का, जैसे पत्तियाँ झड़ती हैं, उसको हम बोलते हैं शेड। स्मैश का मतलब कुचलना। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा डी, कॉन्सिक्रेट, सेंक्टिफाई करना। ठीक है, डेल्ब का क्या मतलब है? डेल्ब का मतलब होता है एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करना या रिसर्च करना, तो इसलिए रिसर्च यहाँ पर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और डिल्यूट का मतलब धोखा देना, डेलीगेट का मतलब हैंड करना, डेलिनिएट मतलब आउटलाइन करना, किसी चीज़ को डिफाइन करना, डेलिनिएट। एलिनिएट मतलब अलग थलग करना, डेलिनिएट मतलब डिफाइन करना, कन्फर्म मतलब निश्चित करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर डेल्ब का क्या होगा? रिसर्च। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, और इस सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वोकेबलरी की आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी टीम ने, सर्वांटिस टीम ने 2 से 3 महीने की मेहनत करके ये सारी वोकेबलरी को डिज़ाइन किया है। और इसमें हमने 4 ई बुक एक्चुअली डिज़ाइन की हैं, और 4ों ई बुक यदि आप ले लेते हैं तो आपके करीब 2500 कोर वर्ड्स जो हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं एसएससी के लिए और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन ये ई बुक्स हैं, और सभी स्टूडेंट्स की तरफ बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो इन ई बुक्स को यदि आप लेना चाहें तो इस वीडियो क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनको खरीद सकते हैं। और यदि आप 4 लेते हैं तो 140 की आएगी, 160 में 4 आएंगी, लेकिन यदि आप पेटीएम से लेते हैं तो ये 120 रुपये में मैं आपको 4 ई बुक 2500 वर्ड्स की ये भेज दूंगा। ये मेरा पेटीएम नंबर है, इस पर आप 120 रुपीज़ सेंड करके इनको आप मंगा सकते हैं। इसको मैं तुरंत आपके व्हाट्सएप पर या ईमेल पर आपको भेज दूंगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेनिफिशियल रूल फॉर्म्ड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में 2 वर्ड दिए हैं यहाँ पर, एक वर्ड ये दिया है बोल्ड में और एक वर्ड ये दिया है। इन दोनों वर्ड्स को आपको किसी दूसरे 2 वर्ड से आपको रिप्लेस करना है। ये आप बोल सकते हैं कि डबल वर्ड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स को आपको सूटेबल वर्ड से आपको करेक्ट करना है, रिप्लेस करना है। और यदि पहले से ही आपको लगता है ये वर्ड सही है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इसको देखते हैं और सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं। द बेनिफिशियल रूल फॉर्म टू प्रोटेक्ट फार्मर्स हैज़ बीन मिसयूज्ड। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएं तो मिसयूज्ड क्या है? मिसयूज्ड एक वर्ब है, और वर्ब से पहले यहाँ पर आपको एडवर्ब चाहिए, लेकिन हाउएवर क्या है? हाउएवर कंजक्शन है, तो इसलिए हाउएवर पूरी तरीके से गलत है। अब एडवर्ब इसमें कितने वर्ड हैं? एक्सेसिवली, रैम्पेंटली, हैवीली, ये 3 वर्ड इसमें एडवर्ब हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड एडवर्ब नहीं है। एवर एक्चुअली एडवर्ब तो है लेकिन यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक्चुअली एलवाई वाला वर्ड चाहिए, मिसयूज्ड, जैसे हम बोलते हैं वाइडली मिसयूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली एलवाई वाला वर्ड आपको चाहिए, वो ज़्यादा सूटेबल होगा यहाँ पर। तो एक्सेसिवली मिसयूज्ड आप बोल सकते हैं, रैम्पेंटली मिसयूज्ड, हैबिली मिसयूज्ड भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों वर्ड तो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से एक आपको पिक करना है। तो एक आप जब पिक करेंगे तो इस हिसाब से यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किसके साथ जा रहा है। द बेनिफिशियल रूल, अब देखिए यहाँ पर एक प्रपोजिशन देखिए आप, यहाँ पर 2 लगा है, और 2 के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है? 2 के साथ मेंट वर्ड जा सकता है। ठीक है, मेंट, और मेंट, और यहाँ पर जो है वो रैम्पेंटली वर्ड भी सही है, क्योंकि रैम्पेंटली का मतलब होता है वाइडली। ठीक है, तो वाइडली कहना यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, तो रैम्पेंटली यहाँ पर सही जा रहा है, और मेंट यहाँ पर 2 के साथ मेंट यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो मेंट और रैम्पेंटली यहाँ पर एकदम सही आपका ऑप्शन बन रहे हैं। तो बी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। द बेनिफिशियल रूल मेंट टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, मतलब एक ऐसा फायदेमंद रूल जिसका पर्पस क्या है। मेंट टू का मतलब होता है कि उसका पर्पस क्या है। मेंट टू प्रोटेक्ट फार्मर्स मतलब जिसका पर्पस है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, हैज बीन रैम्पेंटली मिसयूज्ड। मतलब वो जो रूल है वो रैम्पेंटली मिसयूज किया गया है, जिसका पर्पस है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। तो मेंट टू का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना किसी भी चीज़ को, तो उस हिसाब से मेंट भी यहाँ पर सही है और रैम्पेंटली भी सही है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें आंसर होगा आपका बी। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, गॉड यूजेस मैनी वेज ऑफ इन्फॉर्मिंग पीपल फ्रॉम सिटिंग एंड अट्रैक्टिंग देम टू हिम। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या आ सकता है, अवॉर्डिंग और स्लीप
यहाँ पर नहीं आएगा. और यहाँ पर देखिए, मै गॉड यूजेस मैनी वेज ऑफ अवेकनिंग पीपल फ्रॉम स्लम्बर एंड अट्रैक्टिंग देम टू हिम. देखिए, इसमें ये जो ऑप्शन है इसका सेंस काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी सही सेंस बन रहा है. इसमें यदि आप अवेकनिंग और स्लम्बर लगाएं, तो स्लम्बर का क्या मतलब होता है? स्लम्बर का मतलब होता है स्लीपिंग. कोई आदमी सोया हुआ है या स्लीप है तो उसको हम बोलते हैं स्लम्बर, ठीक है. और स्लम्बर से जब आप, जब स्लम्बर ख़त्म हो जाता है तब आप हो जाते हैं अवेकन, ठीक है. ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? फ्रॉम दिया है, ठीक है. तो फ्रॉम से थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्ट एक क्रिएट हो रहा है, जैसे फ्रॉम एक्स टू बाय या फ्रॉम ए टू बी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक तरह का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. अब देखिए, गॉड यूजेज मैनी वेज ऑफ अवेकनिंग पीपल फ्रॉम स्लीपिंग एंड अट्रैक्टिंग देम टू हिम, मतलब गॉड भगवान इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है जिसमें वो लोगों को जगाता है उनकी नींद से. जगाएगा वो कब? तब जब जब कोई भी व्यक्ति नींद में होगा तभी तो वो जगाएगा. तो इसलिए अवेकनिंग के साथ स्लम्बर वर्ड यहाँ पर लॉजिकली फिट हो रहा है. गॉड यूजेज मैनी वेज ऑफ अवेकनिंग पीपल फ्रॉम स्लम्बर एंड अट्रैक्टिंग देम टू हिम, मतलब गॉड बहुत सारे ऐसे तरीके यूज़ करता है जिसमें लोगों की नींद खुल जाए और वो अवेकन हो जाएँ और उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हों. तो उस हिसाब से डी यहाँ पर आपका, ये आपका सही आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ स्ट्रॉन्गर रुपी कैन हेल्प चेक इन्फ्लेशन एट इट विल पुल डाउन कमोडिटी प्राइसेस. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? देखिए, यदि रुपया मजबूत है, रुपया मजबूत है, इसका मतलब ये है कि कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है. और रुपया जब वीक होता है तो ज़्यादा पैसे में कम चीज़ें आती हैं, ठीक है. तो स्ट्रॉन्गर रुपी कैन हेल्प चेक इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जब पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, आपको थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो स्ट्रॉन्गर रुपी कैन हेल्प चेक इन्फ्लेशन, मतलब जो मजबूत पैसा होगा तो उससे इन्फ्लेशन जो होगा वो चेक होगा, वो रुकेगा. एज इट विल पुल डाउन कमोडिटी प्राइसेस, क्योंकि उससे जो कमोडिटी प्राइसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं. यदि इन्फ्लेशन कम होगा तो कमोडिटी प्राइसेस जो होती हैं वो कम हो जाती हैं. तो यहाँ पर इसका सही सेंस बन रहा है, ठीक है. चेक का मतलब होता है रोकना, पुल डाउन का मतलब नीचे लाना. तो यहाँ पर इस सेंटेंस का सही सेंस बन रहा है, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ई, यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड. यहाँ पर देखते हैं, वी ऑल नो दैट सेवरल पीपल इवेड टैक्स. देखिए, टैक्स के साथ इवेड वर्ड सही है, क्योंकि इवेड का मतलब होता है टैक्स को इवेड करना, मतलब टैक्स से जी चुराना या टैक्स को नज़र ओवरलुक करना. जैसे हम बोलते हैं टैक्स इवेजन, ठीक है. टैक्स इवेजन मतलब टैक्स को भरने में आपने चूक कर दी, उसको हम बोलते हैं टैक्स इवेजन. तो टैक्स के साथ इवेड वर्ड तो यहाँ पर सही है, लेकिन आगे वाला वर्ड देखते हैं वो सही है कि नहीं. वी ऑल नो दैट सेवरल पीपल इवेड टैक्स बाय हाइडिंग मच ऑफ देयर इनकम एज एग्रीकल्चरल इनकम. देखिए, यहाँ पर इस वर्ड को आप ध्यान से देखिए, एज एग्रीकल्चरल इनकम, वो अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम की तरह छुपाते हैं. ये कहना सही है कि गलत है? ये कहना बिल्कुल गलत है. आप ऐसे बोल सकते हैं कि वे अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम की तरह दिखाते हैं, ठीक है. इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम की तरह दिखा के वो टैक्स से बच जाते हैं, ये सेंटेंस कहने की कोशिश कर रहा है. तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हाइडिंग नहीं आएगा, हाइडिंग की जगह डिस्प्ले या शो या इस तरह के वर्ड आ सकते हैं, क्योंकि वो अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को उस तरीके से दिखाते हैं ताकि उनका टैक्स बच जाए. तो इसलिए यहाँ पर शोइंग कहना सही होगा. अब यहाँ पर वाई प्रपोजिशन लगाया है तो आईएनजी फॉर्म भी यहाँ पर आपको चाहिए, तो शोइंग कहना सही होगा. हालांकि डिस्प्ले वर्ड भी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको इवेट का इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए, ठीक है. यहाँ पर आपको क्या चाहिए? इवेट का इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए. और इवेट का इक्विवेलेंट वर्ड क्या है? एस्केप. और शोइंग भी यहाँ पर सही है. यहाँ पर देखिए, डिस्प्लेइंग आ तो सकता है, लेकिन हालांकि डिस्प्लेइंग भी सही वर्ड नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेइंग हम यूज़ करते हैं फिजिकल सेंस में. किसी चीज़ को आप डिस्प्ले करते हैं तो सेंस में आप यूज़ करते हैं. जब आप डेटा को शो करते हैं अपनी सीट्स में, तो उस सेंस में शो वर्ड सही रहता है, ठीक है. और एस्केप इवेट का इक्विवेलेंट है. ये जो इवेट है, ये एस्केप का इक्विवेलेंट है. तो इसलिए यहाँ पर आपका ए जो आंसर है, ये मतलब ए जो ऑप्शन है, ये आपका
सही इसमें हो जाएगा। अब देखिए ये नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, ये कनेक्टर हैं, ये तीन चार सेंटेंस मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसमें एक सेंटेंस ये दिया है, एक सेंटेंस ये यहाँ से यहाँ तक ये एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, यहाँ तक ये, और इसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस दिया है। तो इन दोनों सेंटेंसों को इन कनेक्टर्स के थ्रू आपको लिंक करना है, और इस तरीके से लिंक करना है कि इनका मीनिंग चेंज ना हो। ये सेंटेंस का पर्पज है, दो सेंटेंस को इन लिंक के थ्रू कनेक्ट करना है और इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इसका मीनिंग जो है वो आपका चेंज ना हो। अब देखिए, बैंक डील विद द मनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या बोलता है? दूसरा सेंटेंस कहता है बैंकिंग लेजिस्लेशन इज इनेक्टेड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि बैंक डील विद द मनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर, बैंक क्या करती हैं, बैंक बहुत सारे डिपॉजिटर का पैसा जमा करती हैं, इसीलिए एक बैंकिंग लेजिस्लेशन बनाया गया है जिसका काम है कि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर देखिए मैंने सेंटेंस हिंदी में बोला, तो इसमें बोला कि बैंक क्या करता है कि बहुत सारे डिपॉजिटर्स का पैसा जमा करता है, इसलिए बैंकिंग लेजिस्लेशन बनाया गया है ताकि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो सेफ गार्ड रहें, इसलिए वर्ड आ रहा है। और इसलिए का इक्विवेलेंट क्या है, सिंस जो है वो इसलिए का इक्विवेलेंट है, बिकॉज का इक्विवेलेंट क्या है, सिंस, ठीक है। तो सिंस से ये सेंटेंस बन सकता है, सिंस बैंक डील विद द मनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर, बिकॉज बैंक डील विद द मनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, बैंकिंग लेजिस्लेशन इज इनेक्टेड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। इस तरीके से ये सेंटेंस सिंस बैंक वाला जो ऑप्शन है बी, इससे ये सेंटेंस आपका निश्चित रूप से बिल्कुल सही बन सकता है, क्योंकि इन दो सेंटेंस में हम ये बोल रहे हैं कि बैंक चूंकि बहुत सारे पैसे को मैनेज करता है, बहुत सारे डिपॉजिटर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना जरूरी है, ठीक है। और वही इसमें आप सिंस बैंक से बोल सकते हैं, सिंस बैंक डील विद मनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कॉमा बैंकिंग लेजिस्लेशन इनेक्टेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। तो बी से ये कनेक्ट हो सकते हैं ये दो सेंटेंस, तो इसमें आंसर होगा आपका ओनली बी, बाकी से ये नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एक रीज़न और रिजल्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ रीज़न दिखा रहे हैं और एक तरफ रिजल्ट दिखा रहे हैं आप, और रीज़न और रिजल्ट को जोड़ने के लिए सिंस और बिकॉज का हम प्रयोग करते हैं। तो सिंस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लीड बैंक स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस बाई द रिजर्व बैंक इन दिसंबर 1969 एज एन एडजंक्ट, एडजंक्ट मतलब एज एन एडिशनल टू द ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंश्योर द फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर। एक तरफ हम ये बोल रहे हैं कि लीड बैंक स्कीम की बात हो रही है और एक तरफ इसके इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव से सेंटेंस बन सकता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीड बैंक स्कीम दैट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द रिजर्व बैंक इन दिसंबर 1969 एज एन एडजंक्ट टू द ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ कमर्शियल बैंक वॉज टू, ठीक है। यहाँ पर आप मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव लीड बैंक स्कीम का ये था कि वो फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट को वॉज टू इंश्योर द फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट टू प्राइवेटी सेक्टर को वो फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट दे सके, ये लीड बैंक स्कीम का पर्पज था। तो यदि आप यहाँ से बनाते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीड बैंक स्कीम दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक इन दिसंबर 1969 एज एन एडजंक्ट टू द ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फिर उसके बाद आप यहाँ से जोड़ सकते हैं वॉज टू इंश्योर द फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसका सेंटेंस बन सकता है, इससे ए से सेंटेंस बन सकता है, बी से द ब्रांच एक्सपेंशन, ये तो एक बीच का वर्ड है एक्चुअली, बीच में से ये वर्ड उठा के डाल दिया है तो इससे नहीं बनेगा, और बैंक क्रेडिट ये भी एक बीच का वर्ड है, एब्रप्ट सा ये वर्ड है, तो यहाँ से और यहाँ से नहीं बनेगा, इसका आंसर केवल ए से ही बनेगा, तो इसका आंसर होगा ओनली ए, ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल नॉट बी ए वॉर बिटवीन गवर्नमेंट और बिटवीन आर्मीज ओनली, इट विल बी ए यूनिवर्सल ब्लड बाथ। इसका भी बन सकता है, इसका बन जाएगा एक्चुअली। देखिए नॉर्मली जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है,
तो यदि आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन इसमें मिल जाता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, वहाँ से सेंटेंस आसानी से बन सकता है। देखिए यहाँ से आप इससे बना सकते हैं एक्चुअली द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी ए यूनिवर्सल ब्लड बाथ एंड इट विल नॉट बी ए वॉर बिटवीन गवर्नमेंट और आर्मीज ओनली। इस तरह से बन सकता है द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी अ यूनिवर्सल ब्लड बाथ एंड इट विल नॉट बी ए वॉर बिटवीन गवर्नमेंट एंड आर्मीज ओनली। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा इसका। और यहाँ से देखते हैं अ वॉर बिटवीन गवर्नमेंट एंड आर्मीज ओनली, नहीं यहाँ से नहीं बनेगा ये द यूनिवर्सल ब्लड, यहाँ से भी नहीं बन रहा है इसका, यहाँ से बन सकता है इसका, सी से बन सकता है द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी अ यूनिवर्सल ब्लड बाथ एंड दैट विल नॉट बी ए वॉर बिटवीन गवर्नमेंट और आर्मीज ओनली। इस तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, ओनली सी। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आपको करना है और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको ये इसका समझ में आया होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है और इस तरह के क्वेश्चंस के वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा डेली बेसिस पर चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। तो इसमें मैंने ये 12 क्वेश्चन करवाए हैं और मेरा जो प्रोफेशनल ई कोर्स है उसमें मैं इस तरह के 40-40, 50-50 क्वेश्चन एक एक वीडियो क्लास में करवाता हूँ और वहाँ पर आपको सारे PDFs और ई बुक्स भी फ्री मिलती हैं। वहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊँगा। तो यदि आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बैंक PO का, तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन चालू हैं। और स्टूडेंट एक गलती करता है, स्टूडेंट गलती ये करता है कि जिस समय वैकेंसी आती है उसी समय वो इस तरह की कोचिंग लेता है या कोर्सेज ज्वाइन करता है, लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम की, SSC एग्ज़ाम की तैयारी होती है रेगुलर बेसिस पर। 1 या 2 साल जब आप रेगुलर बेसिस पर लग के तैयारी करते हैं तब आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। तो इसलिए आप वैकेंसी का वेट ना करें, वैकेंसी तो आएंगी ही, RRB की आएंगी, SBI PO आएगा, IBPS PO आएगा। आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है जो कि कोई भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगा। इन सारे वीडियो क्लासेस को आप मोबाइल पर चला सकते हैं। इसमें हम प्री मेंस और इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव की पूरी तैयारी होगी और करंट अफेयर्स इसमें फ्री रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। फ्री ईबुक्स और PDF स्टडी मटेरियल इसमें आपको मिलता है और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इस कोर्स की फ़ीस GST वगैरह सारे टैक्सेस मिला के इस समय है 2450 रुपये। और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकॉन भी आप दबाएं, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस इस चैनल के टाइम पर मिलेंगे। और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इसके थ्रू आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग का नंबर भी है और यही मेरा PTM का भी नंबर है। और ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, ये फेसबुक पर है, इसको भी आप जरूर जरूर ज्वाइन करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।